नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, तो चलिए देखते हैं आज मैं क्या बनाती हूँ। आज मैं बंगालियों के बहुत ही एक फेमस डिश बनाऊंगी, शुक्तो। तो चलिए देखते हैं शुक्तो में किस तरीके से बनाती हूँ। पहले मैं यहाँ पर बड़ी को फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पर बहुत ही सादा बड़ी, बहुत ही सिंपल बड़ी यूज़ किया है। मसाला बड़ी आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, हम यहाँ पर सिंपल बड़ी जो है वो यूज़ करेंगे। पहले हम उसको फ्राई कर लेंगे। अब जिस तेल में हमने बड़ी को फ्राई किया है उसी तेल में हम क्या करेंगे, दो सूखी लाल मिर्च और 5 फोड़न ऐड करेंगे। 5 फोड़न 5 मसालों का मिश्रण होता है, जो कि बनता है जीरा, कलौंजी, सरसों दाने, मेथी और सौंफ से। इन 5 को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके आप इस 5 फोड़न को तैयार कर सकते हो। फिर हम इसमें तेल में ऐड कर देंगे और इस थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखे थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जैसे कि मैंने इसमें करेला और कच्चा केला जो है वो मैंने यहाँ पर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस सब्जी में करेला और कच्चा केला, ये मैंने इसमें ऐड किया है। बैंगन को मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा कट किया हुआ है, आप देख सकते हो। आलू को भी मैंने इसमें कट किया हुआ है और यहाँ पर मैंने मूंग का भी इस्तेमाल किया है। मूंगा, तो मूंगा जो है उसे बंगाली में कहा जाता है शोजनट डाटा। तो इसे पहले हम बहुत अच्छे से, इन सब्जियों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब देखिए सब्जी जो है यहाँ पर फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जीरा का हमने यहाँ पर पेस्ट तैयार किया है, करीबन 1 चम्मच, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जीरा का जो पेस्ट है वो हम इसमें ऐड करेंगे और नमक, स्वाद अनुसार हम नमक इसमें ऐड कर देंगे और फिर से अच्छे से मसालों के साथ भूनेंगे। जब ये अच्छे से मसालों के साथ भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें, ये हमने नींबू का पत्ता ऐड किया है, जिससे कि इससे नींबू के पत्ते से अच्छा फ्लेवर भी आता है, टेस्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर जो है नींबू का पत्ता यूज़ किया है, 3 से 4 पत्ता हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अब हम इसको और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे सब्जियों को। उसके बाद हम यहाँ पर खसखस का पेस्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच खसखस का पेस्ट यूज किया है। खसखस को बंगाली में पोस्तो कहा जाता है, तो हमने उसका इस्तेमाल किया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और अच्छे से इसको भूनना है, अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पर हमने हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, शुक्तों में हल्दी बिल्कुल नहीं पड़ता है, ये इसी तरीके से बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके बाद जैसे ही ये सब्जी अच्छे से भुन जाए उसके बाद हम इसमें करीबन 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे। 1.5 कप पानी, थोड़ा ज़्यादा पानी हमको ऐड करना होता है, जिससे कि ये सब्जी जो है अच्छे से एकदम नरम हो जाए और ये अच्छे से बॉयल्ड हो जाए। तो हमें यहाँ पर जो है पानी को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है और हम इसको ढक देंगे। ढक के हमको करीबन 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम में इसे पकाना होगा इसी तरीके से। छः से सात मिनट बाद हम इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच हमें थोड़ा सा चीनी ऐड करना होता है, थोड़ा सा, बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। करके हम इसे फिर थोड़ा सा फिर और पकने के लिए इसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे, इसमें बड़ी जो हमने पहले से फ्राई किया हुआ है उस बड़ी को हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बड़ी पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमें ये फिर हमें ढकना होगा कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, एकदम लो फ्लेम में, हाई फ्लेम में नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए फिर ढक देंगे। ये देखिए मेरी जो शुक्तो मैंने जो बनाया है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, आप इसे बिल्कुल ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आज बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।